हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही अनोखा रूम हीटर जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस रूम हीटर को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक पुराना ओल्ड टिन का डिब्बा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक घी का डिब्बा है और इसे अब मैंने साफ कर लिया है और साथ ही इसकी जो ऊपर वाला ढक्कन है उसको भी मैंने हटा के बिल्कुल फिनिशिंग कर लिया है। और वैसे ये परचून की शॉप से आपको 15 से 20 रुपए में खाली मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर लेंगे जो कि चीनी मिट्टी के हीटर में लगते हैं और वैसे ये काफ़ी चीज़ों में भी लगते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके जो कनेक्टर है अंदर वाले उनको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि ये दोनों छेद ऊपर के बीच वाले छेद से बिल्कुल अलग है, यही फॉर्मूला इस हीटर में काम में आने वाला है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों छेद ऊपर के बीच वाले छेद से बिल्कुल अलग है। तो चलिए, इन सभी टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर के स्क्रू खोल के हम इनके कनेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको सबको खाली कर दिया है और ये जो टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चीनी मिट्टी के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इनको इस टिन के बॉक्स में लगाने वाले हैं। और किस तरह से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से मार्क कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कनेक्टर है इनको हम इस डिब्बे के अंदर की साइड में यानी किनारे से लगभग 3 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इन कनेक्टर का जो बीच वाला छेद है जहाँ पर स्क्रू लगता है बिल्कुल आर पार, तो उनके लिए यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। अब इन कनेक्टरों को हमें कसना है, तो यहाँ पर मैं इनके लिए स्क्रू ले रहा हूँ और लगभग ये 1.25 इंच लंबे हैं और इनकी जो मोटाई है वो लगभग 4 mm है। तो यहाँ पर हमने 4 कनेक्टरों के लिए मार्क किया है और 4 कनेक्टर ही हम यहाँ पर लगाएंगे और 1 कनेक्टर जो बचेगा उसको हम लगाएंगे दूसरे तरीके से, क्योंकि हमने टोटल 5 कनेक्टर लिए हैं। ठीक है, तो 1 कनेक्टर लग चुका है बहुत ही मजबूती के साथ और बाकी के 3 कनेक्टर भी हम यहाँ पर इसी तरीके से लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 5वें नंबर का कनेक्टर है इसको हमें यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसके लिए मार्क कर देता हूँ इसकी साइज का, ताकि यहाँ पर मैं इसके लिए कटिंग कर सकूँ। अब यहाँ पर हम इसको धार वाली छेनी और कटर की मदद से कट कर लेंगे और अब यहाँ पर इस कनेक्टर को लगाएंगे हम इस तरीके से। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम इसको MCL के द्वारा अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने MCL लगा दिया है और अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे में ये सूख जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक 12 वोल्ट का DC फैन लेंगे। ठीक है, और इसको लगाएंगे वहाँ पर मतलब नीचे, यहाँ पर यार ये देखिए इस तरफ। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो गोला हमने बनाया है इस तरीके से, यहाँ पर करेंगे हम छेद। तो फ्रेंड्स, बहुत से तरीके हैं टिन को कट करने के लिए, जो कि मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बताया भी है। तो यहाँ से मैं आपको हाई कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लगाएंगे हम ये DC फैन। तो इस फैन को हम इस तरीके से लगाएंगे कि इसकी जो हवा है वो अंदर की तरफ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फैन को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो इसके छेद है वहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, ताकि हम यहाँ पर स्क्रू कस सके। तो ये देखिए, फैन के इस तरफ ये जो स्टिकर लगा हुआ है, इस तरफ से हवा आती है,
तो यहाँ पर हमें फ़ैन को इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर लेंगे हम फाइबर स्लीव जो कि 10 mm की है। तो यहाँ पर मैं येलो वाली ना लेके वाइट वाली लूँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है और ये बहुत कम हीट होती है। तो इसका लेने का क्या उद्देश्य है ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। फिलहाल हम इसके 4 बराबर टुकड़े कर लेते हैं फ़ैन की साइज़ के। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फैन के नीचे की तरफ इसको इस तरह से लगाएंगे ताकि जब फैन टिन से सटके रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा क्योंकि उसके बीच में लगी होगी ये फाइबर स्लीव। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से इस फाइबर स्लीव को यहाँ पर फ़ैन के नीचे की तरफ लगा दिए हैं और फ़ैन की साइज़ के अनुसार जो बड़े टुकड़े रह गए उनको कट कर लेंगे। अब फैन के चारों स्क्रू हम यहाँ पर कस देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने फ़ैन को कस दिया है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अनोखा होगा ये रूम हीटर। तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक लोहे की पत्ती लेंगे जो कि 18 गेज की है और इस पत्ती के द्वारा बनाएंगे हम रूम हीटर का स्टैंड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर के लगभग मैंने चौड़ाई ले ली है और इस पत्ते की टोटल लंबाई में यहाँ पर 22 इंच रखूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको कट कर लेते हैं कटर के द्वारा। अब इसके किनारों को हम इस तरह से मोड़ के मजबूत बनाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पत्ती को इस तरह से कर लिया है और अब हम इसको दोनों तरफ से 12-12 सेंटीमीटर की दूरी से मोड़ेंगे। और अब ये जो हमने पत्ती का स्टैंड बनाया है ये हम लगाएंगे इस रूम हीटर के। वैसे फ्रेंड्स, हम इस रूम हीटर को और भी काम में ले सकते हैं जैसे तापने में, क्योंकि फ्रेंड्स इस रूम हीटर की हीट इतनी ज़्यादा होगी जो कि मैं आपको विद प्रैक्टिकल बताऊंगा टेस्टिंग करके। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो में मैं आगे आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब इस वीडियो में ही होगा और कमेंट बॉक्स में जिसका सही जवाब सबसे पहले आएगा उसका कमेंट मैं 3 दिन बाद पिन करूंगा अपने चैनल पे, यानी वीडियो पब्लिश के 3 दिन बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूम हीटर के हम ये स्टैंड इस तरह से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रूम हीटर के ये स्टैंड लगा दिया है और अब लगाएंगे हम इस रूम हीटर के अंदर हीटिंग एलिमेंट जो कि निक्रोम वायर का आता है और ये 800 वाट का है और ये बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाता है। वैसे मैंने पार्ट्स लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर है जिसको मैंने खड़ी साइज में लगा रखा है, तो इसके अंदर वाले कनेक्टर भी मैंने एक बार निकाल लिए थे और यहाँ पर मैंने वापस से लगा दिए ताकि यहाँ पर ये जो हीटिंग एलिमेंट के वायर्ड है इनको आसानी से कनेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर मैंने एक पावर कॉर्ड ले लिया है विद 6 एम्पियर प्लग टॉप। तो यहाँ पर वायर्ड की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर ये जो लोहे के तार आप देख रहे हैं ये हीटिंग एलिमेंट के साथ में ही आए हैं, तो इनको मैं यहाँ पर इस तरह से कट कर लूँगा। तो यहाँ पर इन दोनों वायरों को मैं इन कनेक्टरों के अंदर इस तरह से डालूँगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो मैंने पावर केबल ली है प्लग टॉप के साथ में तो उनको मैं यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा। अब देखिए, रूम हीटर के अंदर की तरफ से मैं इन दोनों तारों को इस तरह से मोड़ लूँगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर इस टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर के भी हम बाहर की तरफ से भी MCL लगा देंगे ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक पुराना मोबाइल चार्जर लेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये देखिए बहुत पुराना है, ओल्ड है। तो यार मेरे वीडियो में ये मोबाइल चार्जर जो पुराने वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, तो यार आप इन्हें संभाल के रखिए। और अगर आपके किसी दोस्त के पास भी ऐसे मोबाइल चार्जर वेस्टेज पड़े हो तो आप उनसे ले सकते हैं, क्योंकि यार उनके तो कोई काम में आएगा नहीं तो वो आपको फ्री में दे सकते हैं। लेकिन हाँ अगर वो मेरे वीडियो देखते हैं तो यार मुझे नहीं लगता कि वो आपको ये मोबाइल चार्जर देंगे। मजाक कर रहा हूँ यार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल चार्जर हमने इस तरह से निकाल के यहाँ पर इसके आउटपुट पे मैंने फ़ैन के वायर जोड़ दिए हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट का होता है, तो मुझे फ़ैन को भी बिल्कुल स्लो चलाना है ताकि जो हीटर है वो अच्छे से गर्म हवा दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो मैं इनपुट में कनेक्शन कर रहा हूँ ये वही वायर है जो हमने आगे की तरफ केबल जोड़ी है पावर कॉर्ड, तो उसी के बीच में से मैंने कट कर लिया है यहाँ पर पीछे की नाप के अनुसार। तो यहाँ पर मैं इन दोनों वायरों को, यानी जहाँ से मैंने कट किया है इन दोनों वायरों को मैं यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा जो कि इस PCB का इनपुट है, और यहाँ पर 220 वोल्ट आएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक प्लास्टिक का बॉक्स लेंगे खाली। कई बार आपने देखा होगा कि घर के अंदर ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स खाली हो जाते हैं जिनके अंदर फैंसी के सामान आते हैं, तो ये जो PCB है इसके अंदर हम इस तरह से सेट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ वायरों के फाइबर स्लीव लगा रखी है। तो यहाँ पर ये जो रूम हीटर है इसको मैं 100% सेफ्टी के साथ में बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से ये पावर प्लग है 6 एम्पियर का, तो अच्छी क्वालिटी के वायर के साथ यहाँ पर मैंने पावर प्लग भी अच्छी पावर का लिया है। अब ये जो हीटिंग एलिमेंट है जो कि निक्रोम वायर का बना हुआ होता है, तो इसको हम खींच के इस तरह से कर लेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये इसी तरीके से जो चीनी मिट्टी का हीटर आता है उसके अंदर लगता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा कि हम इस हीटिंग एलिमेंट को किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इस हीटिंग एलिमेंट को पावर केबल वाले टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर के साथ में लगाएंगे। वहाँ पर दो तार थे तो एक तार के साथ में हमने लगा दिया है। अब ये जो चारों ब्लॉक कनेक्टर है उनके नीचे वाले छेद से हम ये हीटिंग एलिमेंट इस तरह से निकालेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने ये जो ब्लॉक कनेक्टर लिए हैं ये चीनी मिट्टी के इसीलिए लिए हैं ताकि कोई भी करंट का या शॉक का लपड़ा बिल्कुल भी ना रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इस रूम हीटर के अंदर करंट या शॉक का कोई भी खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि चीनी मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं आता है, और कहीं पर भी हमारा ये जो हीटिंग एलिमेंट है इस टिन के डिब्बे के बिल्कुल भी टच नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस रूम हीटर के अंदर 100% सेफ्टी रखी है। लेकिन अगर आप भी ऐसा रूम हीटर बनाने की सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 100% सेफ्टी के साथ ये काम कीजिएगा, क्योंकि यार ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये ना तो आपको जानती है ना मुझे। इतना काम करता हूँ यार फ्रेंड्स मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, झटके ज़रूर देगी लेकिन दोस्ती कभी नहीं करती यार, और दोस्ती कर ली तो जानते हो आप क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी टर्मिनल ब्लॉक्स के अंदर 2 छेद है और उनके अंदर से ये हीटिंग एलिमेंट हमने इस तरह से निकाला है। तो ये हीटिंग एलिमेंट ना तो इस टिन के डिब्बे के टच है और ना ही आपस में टच है। अब इस रूम हीटर की आगे की सेफ्टी के लिए यहाँ पर हम इसके आगे नेट लगाएंगे, और ये एल्यूमिनियम की नेट आती है जो कि आपको हार्डवेयर शॉप से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर है जो कि चीनी मिट्टी के है उनसे टच होगी और कहीं पर भी ये टच नहीं होगी, तो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नेट को लगाने से पहले जो प्लास्टिक की डिब्बी है पीछे की तरफ इसको हम फैन के साथ में अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये भी अच्छे से फिक्स हो सके। तो यहाँ पर मैंने फेविक्विक भी लगाई थी और बाद में मैंने फेविटेट भी यूज में लिया था। तो अब बारी है टेस्टिंग की, तो मैं आपको पहले विदाउट नेट चेक करवाता हूँ, उसके बाद में मैं नेट लगा के इसको अच्छे से आपको टेस्टिंग कराऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लग को लगा दिया है 220 वोल्ट AC के अंदर, और यहाँ पर हमारा जो रूम हीटर है वो चालू हो गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर निक्रोम वायर बीच में से कहीं से भी टच नहीं है अगर आपको कैमरे में ऐसा लग रहा हो तो। और ये देखिए यहाँ पर जो फैन है वो भी अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है, और जो गर्म गर्म हवा है वो आगे की तरफ फेंक रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 12 वोल्ट के फ़ैन को यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ में चला रहे हैं
ताकि यहाँ पर जो फैन है वो स्लो चले। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो नेट है इसको हम इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। और ये नेट आगे जाके जो टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर है चीनी मिट्टी के, उनसे ही टच होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहाँ पर यह भी फायदा रहेगा कि जो नेट है, जो जाली है, वो अंदर की तरफ नहीं घुसेगी, यहीं पर फिक्स रहेगी। तो मैंने यहाँ पर अंधेरा कर दिया है और अब आप देख सकते हैं रूम हीटर को। चलिए मैं वापस से उजाला कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ इस टेम्परेचर मीटर के द्वारा। तो शुरुआत में जैसा कि आपने देखा 22 डिग्री सेल्सियस था, और अब आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो के रिगार्डिंग आपसे एक सवाल करूँगा और कमेंट बॉक्स में आपको उसका सही जवाब देना है। तो जिसका जवाब सबसे पहले मेरे पास आएगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा इस वीडियो के पब्लिश से 3 दिन बाद। तो फ्रेंड, सवाल यह है कि इस रूम हीटर के अंदर हमने कितने वाट का हीटिंग एलिमेंट लगाया है। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला 800 वाट, दूसरा 1000 वाट, तीसरा 1500 वाट और चौथा 2000 वाट। अब फ्रेंड्स, यहां पर आप देख भी सकते हैं 69.9 यानी 70 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके हाथ लगाने से बिल्कुल भी शॉक या करंट नहीं आएगा। हाँ, ये गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो स्टैंड है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा और पीछे से भी ये हीट नहीं होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर हम इसको बहुत बड़े रूम में हीटिंग के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक अभी आपने देखा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो स्टैंड है इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जो रूम हीटर है इसका मुंह हम ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ कर सकते हैं इस स्टैंड के द्वारा। तो यार फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्दी का ये जुगाड़ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।